আর এই মুহূর্তে আমি রয়েছি প্রধান নগর মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে। বর্তমান সময়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে লিভারের বিভিন্ন রকম সমস্যা মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, ডাইজেস্টিভের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এবং এই সমস্ত নিয়ে কিন্তু মানুষ বিভিন্ন চিন্তায় থাকে যে কেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে বা কিভাবে এই জিনিসগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে সবার প্রথমে আমাদের প্রয়োজন পড়ে ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করার, এবং আজকের এই যে গোটা ভিডিওটা, এই ভিডিওটা আপনাদের নিশ্চয়ই খুব কাজে লাগবে, কারণ আমি এই মুহূর্তে মেডিকাতে রয়েছি এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর বিনীত খেমকা, এবং তার সঙ্গে আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ডক্টর, প্রথমে আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে মিলে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ, নমস্তে। আই এম ডক্টর বিনীত খেমকা, কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এন্ড হেপাটোলজিস্ট, and now I am in medica. So I was there in Neotia mein tha main. Uske baad abhi maine department of gastro launch kiya hai medica mein, jiske andar kafi kuch facilities hai jo humne yahan pe kiya hai, taki logo ko kahin bahar iske liye travel na karna pade. Jo logo ko samasya ho rahi hai, jo problem ho rahi hai yahan pe, logo ko liver se related, pet se related jo problem ho rahi hai, logo ko kafi pareshaniyan hoti hain, unko kai travel karna padta hai, bahar jana padta hai. To जो डिपार्टमेंट हमने लॉन्च किया है, हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पे लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनको हम सॉर्ट आउट करें, उनकी परेशानियाँ दूर करें. तो आजकल जो कंडीशन है हमारे सिलीगुड़ी स्पेशली या नॉर्थ बंगाल में, जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पेट से रिलेटेड हो चाहे लीवर से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ हैं जिनकी काफ़ी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है डिस्पेप्सिया की, जिनको प्रॉब्लम हो रही है लीवर सिरोसिस की, अननेसेसरी अनवांटेड डायरिया, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ हो रही हैं. तो हमने कोशिश किया है कि उनको इतनी परेशानियां ना झेलना पड़े. तो ये इस मेडिका में हमने डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो को लॉन्च किया है विद बेटर फैसिलिटीज, सो दैट दे विल गेट अ बेटर क्योर एंड ट्रीटमेंट. पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि नॉर्थ बंगाल में, पूरी नॉर्थ बंगाल में अभी सिनेरियो क्या है, मतलब कितना परसेंटेज, या फिर आप कैसे देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कितना बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है मैडम, लोग काफ़ी कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं. कई लोग हैं जो IBS जैसी बीमारियाँ, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, लीवर रिलेटेड इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं उनको. और आजकल के जो सिनेरियो है वो पहले से काफ़ी कुछ बढ़ गई है, ऑल बिकॉज ऑफ फूड हैबिट. जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है. रीजन सिर्फ यही सब है या फिर अलग से कुछ है, मतलब जेनेटिक कुछ रहता है? जेनेटिक भी काफ़ी कुछ रहता है मैडम. कई लोगों को जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, उसमें लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस होता है, काफ़ी लूज स्टूल होती हैं, ब्लडी डायरिया होता है, ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम है जो काफ़ी कुछ लोग फेस करते हैं, लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि वो किस प्रॉब्लम में हैं और उनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए. अगर हम उसको वहीं पर रोक दें तो उनको और बढ़ने से हम रोक सकते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ फैसिलिटी है कोलोनोस्कोपी की, इंडोस्कोपी की, और भी कई जो डायग्नोस्टिक इमेजेस होते हैं उसकी जो ज़रूरत होती है वो हमने फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड किया है, ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी हम समझ सकें और उनको ट्रीट कर सकें, ताकि उनको इस जगह से बाहर ना जाना पड़े. जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई लोग हैं जो गाँव से आते हैं जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, और इस प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो बेड रिडन हो जाते हैं, ICU में एडमिट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी. तो वो उस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया है हमने, ताकि उनको डिजीज़ को पकड़ें और उनका ट्रीटमेंट करें. कभी कभी लोगों को ये पता नहीं चलता है कि किस वक्त पे उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, तो आप ज़रा उन लोगों को बता दीजिए कि कौन सा वो वक्त है कि तब डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए. देखिए, व्हेन यू हैव अ सुपर स्पेशलिटी इन सिलीगुड़ी, देयर लॉट ऑफ सुपर स्पेशलिटी, आपके पास फैसिलिटी हैं, जब आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो आपको पेट की समस्या समझ सकते हैं, आपको लीवर से समस्या हो सकती है, अगर आपको अर्ली अगर ऐसा कुछ पता चले कि नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. यू शुड नॉट वेट कि आप बाद में इस बीमारी को खींच रहे हैं, या कई लोग होते हैं जो दवाई दुकान में जाते हैं उनसे ही पूछ के दवाइयाँ ले लेते हैं, तो एक बार के लिए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में फिर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो जब आपको पहला ही, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, डायबिटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल लीवर से रिलेटेड, पहले हमारे देश में या आप पूरे जितने भी हैं जैसे UK USA वगैरह देख लें,
उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा लीवर सिरोसिस का रीज़न होता था अल्कोहल, बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनकी वजह से लीवर की काफ़ी समस्या हो रही है। तो लोगों को उसी टाइम पे उनको फोकस कर लेना चाहिए ताकि लीवर ख़राब स्टेज पे ना पहुँचे। जैसे किसी पेशेंट में डायबिटीज़ हैं, उनका लीवर फंक्शन टेस्ट डी अरेंज्ड है, यूएसजी शोइंग सम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लीवर, इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट अ हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ताकि उस डिजीज़ को वहीं रोक दिया जाए। क्योंकि अगर जब ये बढ़ता है तो फिर लीवर रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास, देन दे हैव टू रश फॉर द लीवर ट्रांसप्लांट कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना है। कई जगह लीवर की फैसिलिटी नहीं होती है तो वो पेशेंट नहीं बच पाते हैं। तो आइडियली जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा लीवर फंक्शन डिटोरिएट होता है, तो यू शुड कंसल्ट, यू शुड नॉट वेट कि दवाइयाँ खा के देख लेते हैं ठीक हो जाता है। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज फॉर लीवर सिरोसिस नाउ डेज इट इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल। यस, अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज, बट ये दूसरे नंबर पे आ गया है। तो अभी जितना फोकस हमें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, अल्कोहल हो, जंक फूड हो, इनको जितना अवॉइड कर सकें, पहला सिम्टम होते ही, कुछ भी प्रॉब्लम होते ही आपको तुरंत दिखाना चाहिए। 50 ईयर से ऊपर है और अगर ये सब सिम्टम स्टार्ट हुआ है तो इमीडिएटली यू शुड नॉट वेट, यू शुड कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम। हो सकता है आपको कुछ पेट में प्रॉब्लम हो जो हम इग्नोर कर रहे हैं, बट आफ्टर डूइंग इंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी या फिर उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़, जो भी डायग्नोसिस होती हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उसका पता करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल ऐसा सुनाई दे रहा है कि लीवर का प्रॉब्लम हिल से बहुत ज़्यादा ऐसा पेशेंट्स आते हैं। यस, एज़ वी नो द मोस्ट कॉमन जो हमारा सबसे ज़्यादा है वो अल्कोहल होता है। पहाड़ पे लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स जैसे कि स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। दैट इज़ नॉट सेपरेटेड टू, आई मीन लीवर से रिलेटेड नहीं होता है, बट समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू योर गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, ये सारी चीज़ें उससे होती है। बट यस, पहाड़ पे लोगों का ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ये अभी सबसे ज़्यादा कॉमन है लीवर खराब के लिए। तो उससे रिलेटेड मान लीजिए किसी को अगर जॉन्डिस हो गया है, ब्लैक स्टूल हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, जनरलाइज्ड बॉडी एक या वीकनेस होता है, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी होना, यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद हेपेटोलॉजिस्ट व्हेन यू हैव, डोंट डिले, डोंट गो टू द पर्सन जो लोकल होते हैं, फार्मेसी में जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, यू शुड नॉट डू दैट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जब लीवर की समस्या होती है तो आप इमीडिएट उसको ठीक करने के लिए आप अलग से दवाइयों में घुस जाते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, कैम, उसकी वजह से इतने लीवर फेलियर में लोग होते हैं। तो यू शुड नॉट डू दैट, कंसल्ट अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन दैट एरिया सो दैट यू कैन गेट अ गुड ट्रीटमेंट। राइट, मेडिका में एग्जैक्टली क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरक्की हो रहा है, तो अभी क्या क्या इन लोग आप लोगों के पास? हमने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो लॉन्च किया है यहाँ पे, जहाँ पे हम इंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, ERCP जो एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम गॉल ब्लैडर से नीचे कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन बोलते हैं उसको, वो निकालते हैं ड्यूरिंग ERCP करके। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी से पहले ये प्रोसीजर जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं और CBD में स्टोन रहता है, द प्रॉब्लम विल बी सेम, आपको जॉन्डिस होगा, वेट लॉस होगा, सम टाइम कैन कॉज पेन ऑल्सो, फीवर ऑल्सो, कोलेंजाइटिस होता है। तो ये फैसिलिटी हमने यहाँ पे शुरू किया है। 190 ओलंपस हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मुझे नहीं लगता अभी तक नॉर्थ बंगाल में किसी ने यूज़ किया है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड ओलंपस 190 इंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी विथ ERCP इन मेडिका, जहाँ पे हमने अगर कोई पेशेंट आता है ब्लीडिंग होके आता है, दैट आई टोल्ड यू सेकेंडरी टू लीवर सिरोसिस ब्लीडिंग होता है उनमें, तो बैंडिंग किट जो होती है वो हम करते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कांट रेफर द पेशेंट। तो व्हेन यू हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो, यस वी आर रेडी टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर लाइक ERCP, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बैंडिंग, पॉलीपेक्टमी, लाइक ऑल दिस वी कैन डू इट। सो हमने यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें स्टार्ट की है। ऐसा अभी भी दिखाई देता है कि गैस्ट्रो का प्रॉब्लम सुनते ही लोगों को लगता है कि हम लोग हैदराबाद में जाएंगे या फिर बाहर जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो अभी आप उन लोगों को कैसे बताएंगे कि अभी सिलीगुड़ी में भी ये पॉसिबल है? यस, सो हमने काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट लॉन्च किया है, आपको इसके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम इतने समर्थ हैं कि हम वो चीज़ कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव द फैसिलिटी दैट वी कैन डू, सो नो नीड टू रश टू हैदराबाद। की कई लोग होते हैं घूमने के लिए चले जाते हैं, दैट आई कांट स्टॉप,
अगर वो जाते हैं घूम करके हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो डेट इज़ फाइन, नो इश्यूज़। बट आपको इसलिए वहाँ जाना है कि ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दैट। आप यहाँ पे आइए, हमने काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट लॉन्च किया है जहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पेशेंट। আমরা প্রধাননগর যে মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক সেখানে আমরা ছিলাম এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমরা কথা বললাম। আমরা জানি যে আজকাল ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুডের দুনিয়ায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসেরও কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে আমরা দেখি অনেক সময় বিভিন্ন রকম গ্যাসের সমস্যা, লিভারের সমস্যা, এই সমস্ত সমস্যা কিন্তু দেখা দিতেই থাকে। তো সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের কোনো রকম প্রয়োজন হয় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার, আপনারা কিন্তু প্রধাননগর যে মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক রয়েছেন সেখানে আপনারা আসতে পারেন। ডক্টর বিনীত খেমকা সেখানে রয়েছে, আপনারা চাইলে তার কাছ থেকে কিন্তু আপনাদের কি প্রয়োজন নয় সেই সমস্ত কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন। এবং এখানে একটা বেস্ট টিম রয়েছে যারা কিন্তু আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করবে। এছাড়াও আপনাদের আরও যদি কোনো রকম প্রয়োজন থাকে অবশ্যই আপনারা একবার এখানে কিন্তু ভিজিটও করতে পারেন। সঞ্জিত কুমার, গ্যাস্ট্রো টেকনিশিয়ান। হাম লোককে পাস ইয়াহ ইন্ডোস্কোপি, ERCP আর প্যাকটিউব, মানে জিতনে ভি গ্যাস্ট্রো রিলেটেড প্রসিডিওর সব হোতা হ্যায় হাম লোককে পাস।